मास्क की बिक्री पर भी पड़ रहा है। बोधगया अंतर्राष्ट्रीय स्थल होने की वजह से यहां देश विदेश से श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। ऐसे में यहां मेडिकेटेड मास्क की अधिक बिक्री होने की वजह से मास्क की शॉर्टेज हो गई है। इससे अब बाजार में मास्क 4 गुने से अधिक दाम पर मिल रहे हैं। जानलेवा वायरस का खौफ, कोरोना से ग्लोबल जंग जारी। कोरोना को हराएगा हिंदुस्तान, अलर्ट मोड पर बिहार। नेपाल से सटे सीमाई क्षेत्रों में बरती जा रही विशेष सतर्कता। अस्पतालों को आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के निर्देश। बिहार में स्वास्थ्य विभाग कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट पर है। हाल ही में ईरान से बिहार लौटे लोगों को निगरानी में रखा गया। और इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार की रात उच्च स्तरीय बैठक कर कोरोना को लेकर उत्पन्न स्थितियों की समीक्षा की। वहीं कोरोना वायरस को लेकर एहतियात के तौर पर पटना एयरपोर्ट पर डॉक्टरों की टीम तैनात है। यहां आने वाले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। फिर भी जो पैसेंजर आते हैं, सबसे पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरता है, तो उनकी स्कैनिंग वहीं हो चुकी होती है पहले। फिर भी एहतियात के तौर पर यहां पे पटना पे भी हमने जो है डॉक्टर्स की टीम ऑलरेडी एपीएचओ की तरफ से यहाँ पे डिप्यूट किया गया है। वो लोग जितनी देर हमारी फ्लाइट ऑपरेशंस रहती है तो एयरपोर्ट पे रहते हैं, और वो रैंडमली कोई स्क्रीनिंग भी करते हैं कई बार, या फिर कोई पैसेंजर ऐसा कोई शख्स अपने आप को खांसी जुकाम जिस तरह के उनको लक्षण किसी में है तो वो भी जाके अपना वॉलंटरी कर सकता है वहाँ। तो वही कोरोना वायरस को लेकर एहतियात के तौर पर सभी अस्पताल कर्मियों को प्रोटेक्शन किट और मास्क लगाने का निर्देश दिया गया। अवेयरनेस के लिए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निर्देश जारी किए गए। आंगनवाड़ी सेंटर को अवेयर किया गया। सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा की तत्काल बैठक करने और कोरोना से सावधानी बरतने की जानकारी देने के लिए कहा गया। PRO और ग्राम सभा है, उसमें भी इस बात को काफी जोरदार शब्दों में लोगों को बता देने का निर्णय लिया गया। इसमें पैनिक होने का कुछ नहीं है, ये सिंपल चीज है कि हम जो हिंदुस्तान के लोग हैं, इनकी जो आदतें हैं वो काफी हद तक जो है सो इसके फैलाव को रोकने में समर्थ है। पटना सिटी के अगमकुआं स्थित आरएम रिम्स में कोरोना वायरस के सैंपल की जांच शुरू कर दी गई और इसके लिए पुणे से 500 किट उपलब्ध कराई गई। साथ ही कोरोना वायरस के उपचार के लिए 6 चिकित्सक की टीम तैयार की गई। हम लोग जांच का सारा व्यवस्था किया है यहाँ पे, और जांच के लिए जो भी जरूरत है वो सारी सुविधाएं हमारे पास में अब उपलब्ध हो गई। जी, अब पूरे देश में कितने अभी जो है, पहले 10 हुआ था, अभी 19 हो गया। कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते असर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग SSB विशेष अलर्ट पर है। नेपाल के सीमाई क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। रक्सौल बॉर्डर पर कोरोना वायरस से लड़ाई में स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ SSB भी मैदान में उतर चुकी है। रक्सौल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा बॉर्डर के मैत्री पुल पर इमिग्रेशन कार्यालय के पास एक मेडिकल टीम तैनात की गई, जो हर विदेशी नागरिक के साथ साथ वैसे लोगों का स्क्रीनिंग कर रही है। 2020 से कोरोना वायरस के लिए हम लोगों ने प्रयास शुरू कर दिया, जिसमें कि हम मेडिकल टीम के माध्यम से स्क्रीनिंग कर रहे हैं जो आवर्जन कार्यालय पे है, और आज से एक हमारा और ICP पर कार्य करने लगेगा। हमारा सतत पोलियो टीम है जो नेपाल से पैदल के रास्ते आने जाने वाले लोगों पर नजर रखता है। बेतिया में भी चीन के वुहान से आए 9 छात्रों की मॉनिटरिंग की जा रही है। ये छात्र वुहान में मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे। बेतिया के 3, मंझौलिया के 2, जगदीशपुर में 1, शिकारपुर में 1, हरिनगर में 1 और साठी के 1 व्यक्ति पर स्वास्थ्य विभाग लगातार नजर बनाए हुए है। हमारे ग्रह के लिए एक बहुत बड़ी समस्या आई है। पूरे पृथ्वी पर करीब करीब 60% देशों में यह फैल चुका है। अभी तक तो भारत में इसके केस नहीं मिल रहे थे, लेकिन 28-29 केस भारत में भी मिल गए हैं। हम लोगों के पटना में भी रिपोर्टेड है केस, इसलिए सरकार युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी कर रही है, जिसमें हम लोग भी सहयोग दे रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर भारत नेपाल की जोगबनी सीमा पर भी अलर्ट देखा जा रहा है। सीमा पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कैंप लगाकर लोगों की जांच की जा रही है। रोजाना कैंप में करीब 100 से ज्यादा मरीजों की जांच की जा रही है। सीमा पर तैनात SSB के जवान भी कोरोना वायरस को लेकर काफी सतर्क हैं और सभी मास्क लगाकर ड्यूटी कर रहे हैं।
साथ ही लोगों को कोरोना वायरस को लेकर जागरूक भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में पांव पसारने लगा कोरोना। गया में मिले 3 संदिग्ध मरीज। बोधगया में पर्यटकों की आई कमी। मास्क की कमी, दुगने में बेच रहे दुकानदार। कोरोना वायरस के दहशत का असर अब गया में भी देखने को मिल रहा है। गया में भी कोरोना वायरस के 3 संदिग्ध मरीज मिल चुके हैं, जिसके बाद से गया में आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी कमी आई है। कोरोना के डर से मास्क की जबरदस्त खरीदारी हो रही है, जिसका फायदा स्थानीय दुकानदार खूब उठा रहे हैं और 2-3 गुने कीमत पर मास्क बेच रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण बोधगया में पर्यटकों की संख्या में बहुत जबरदस्त कमी आई है। यहाँ के व्यवसायियों, पर्यटक गाइडों सब बैठे हुए हैं और इस तरह से जो अभी लोगों में डर पैदा हुआ है, ये एक बहुत ही सोचनीय विषय है। वही मास्क बेच रहे दुकानदार ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते मास्क की कमी हो जाने और आयात नहीं होने से स्टॉक खत्म है, जिससे इलाके में मास्क की कमी आई है और इसका सीधा असर बाजार पर पड़ रहा है। अभी तुरंत बहुत सारा दुकान आए हैं मास्क खरीदने के लिए, लेकिन मास्क का बहुत किल्लत हो गया है और बोधगया टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ कोरोना वायरस का बहुत डर सा पैदा हो गया है लोगों में, ताकि बहुत जल्दी से जो ऐसा कोरोना वायरस ऐसा सिकनेस है, बहुत तेजी से वायरस हो रहा है। इसके कमी इसके कारण हो गया कि मास्क 40 रुपये में मिलता था, अब 80 रुपये, 120 रुपये मास्क बिक रहा है बाजार में। ज़्यादा बिक रहा है तो माल नहीं मिल रहा है कोरोना वायरस के चलते। स्टॉक में तो माल नहीं है, लेकिन जो बाहर से माल आ रहा था कोरोना वायरस के चलते स्टॉक रोक दिया गया। बोधगया के आसपास के होटल, स्कूल और विभिन्न संस्थाओं में मास्क का प्रयोग ज्यादा किया जा रहा है। ऐसे में सरकार या स्थानीय प्रशासन द्वारा मास्क का वितरण कराया जाना चाहिए। कोरोना वायरस को लेकर बोधगया में पर्यटन सीजन जून जुलाई तक चलता था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण पर्यटकों की भारी कमी देखने को मिल रही है। गया से जयप्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।